वेलकम फ्रेंड्स, हम राहुल राज, आप देख रहे हैं टेक्निकल बिहार चैनल। तो चलिए सबसे पहले बताना चाहिए, अगर आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जो वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखिए, अगर स्किप करते हैं तो बाद में दिक्कत परेशानी आ सकता है। तो चलिए वीडियो को पूरा वॉच करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे वन नेशन वन राशन कार्ड के बारे में पूरा डिटेल्स में इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिए, वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जैसे कि मेरे थंबनेल पे यहाँ पे देख सकते फ्रेंड्स लिखा हुआ वन नेशन वन राशन कार्ड, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे आके देख सकते फ्रेंड्स लिखा हुआ है कि एक राशन कार्ड पूरे देश में कैसे यूज कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, एक राशन कार्ड आप लोग पूरे देश में यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग यूपी हैं, यूपी के हैं या बिहार के हैं, ओके फ्रेंड्स, तो आप लोग कहीं अन्य राज्य में बसते हैं, जैसे कि किसी अन्य राज्य में आप जैसे कि बिहार के हैं या यूपी के हैं, तो आप उसी राशन कार्ड को क्या करना फ्रेंड्स वहाँ ले जाना है। और जैसे कि आप लोग दिल्ली, मुंबई, गुजरात, राजस्थान, जम्मू तभी कहीं भी आप लोग रह रहे हैं तो उसी राशन कार्ड से आप लोग वहां पे भी राशन ले सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, अपने राशन कार्ड को नहीं अपडेट करना है, नहीं ऑनलाइन करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ उस राशन कार्ड को ले जाना है राशन शॉप पे और वहां से राशन अपना ले लेना है। ओके फ्रेंड्स, और आप लोग अपना राशन कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे, जैसे कि यूपी के हो या बिहार के हैं, तो दोनों के बारे में मैं बताऊँगा कि आप लोग कैसे अपना राशन कार्ड डाउनलोड करेंगे। पूरी जानकारी मैं आप लोग को इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो वीडियो पे बने रहिए। तो चलिए सबसे पहले क्या करना फ्रेंड्स, अपने मोबाइल का गूगल ब्राउज़र ओपन करना है। तो चलिए मैं अपना गूगल ब्राउज़र ओपन करता हूँ। तो अपना गूगल ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं, मैं बिहार के लिए बता रहा हूँ पहले। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देख सकते हैं बिहार का व्यक्ति जो है वो अपना राशन कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे। तो सबसे पहले अपना गूगल ब्राउज़र में जाएंगे, वहाँ पे टाइप करेंगे bds.bihar.gov.in। यहाँ पे देख सकते हैं इसका, मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस लिंक को प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग वहाँ से डायरेक्टली क्लिक करके इस पेज पर आ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद आपको इस पेज पर आने के बाद थोड़ा स्क्रॉल करना है ऊपर की तरफ और यहाँ पर थोड़ा लेफ्ट साइड जूम करना है और यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है कि RCMS रिपोर्ट। तो चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो आपको भी इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बोला जाएगा आप लोग अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें। तो चलिए अपना जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो सेलेक्ट कर लेना है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए मैं अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे शो में सोता देखें यहाँ पे शो पे क्लिक करना। शो पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखते हैं लिखा हुआ मिल जाएगा इस तरह से, सीरियल नंबर, डिस्ट्रिक्ट, रूरल, अर्बन, कार्ड का प्रकार यहाँ पे देखते हैं, मेंबर, यहाँ पे सारा मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं ये जो देख रहे हैं अर्बन मतलब होता है शहरी क्षेत्र, तो आप शहरी क्षेत्र से बिलोंग करती हैं तो इस पर क्लिक करके आपको यहाँ जो देख सकते हैं ग्रीन कलर में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके फ्रेंड्स, इस पर क्लिक करना अगर आप शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, और अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आपको इस पर क्लिक करना है यहाँ पे देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए इस पर हम क्लिक करते हैं, मैं ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। उसके बाद इस तरह से आपके पास इंटरफेस आएगा, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ब्लॉक। ओके फ्रेंड्स, तो आपको जो ब्लॉक है वो ब्लॉक का नाम यहाँ सेलेक्ट कर लेना। तो चलिए स्क्रॉल करना ऊपर और यहाँ पे देखते हैं मेरा ब्लॉक है, तो इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद अपना पंचायत यहाँ पे देखते हैं, आपको पंचायत सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे। ओके फ्रेंड्स, चलिए मैं अपना पंचायत सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे देख विलेज, आपका जो भी विलेज हो वो विलेज सेलेक्ट कर लेना था, चलो मैं विलेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा आपके सामने, जो कि सीरियल नंबर और राशन कार्ड का नंबर और यहाँ राशन कार्ड का टाइप जो है वो, और राशन कार्ड का होल्डर नाम मिल जाएगा, उनका फादर्स का नाम मिल जाएगा, मेम्बर मिल जाएगा कि आपके राशन कार्ड में कितने मेम्बर का नाम जुटा हुआ, और यहाँ पर डीलर का नाम मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद स्क्रॉल करना है और अपना राशन कार्ड जो है सो राशन कार्ड का नंबर देखना है कि आपका राशन कार्ड का नंबर जो है मिला लेना है। उसके बाद अपना नाम देख लेना है, उनका अपना पिता का नाम देख लेना। ओके फ्रेंड्स, और जो भी हो आपका इसमें से स्क्रॉल करके देख लेना कि मेरा राशन कार्ड का नंबर कौन है और मेरा नाम क्या है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए मैं अपना राशन कार्ड यहाँ पे देख सकता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए इस पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, यहाँ पे देख सकते हैं राशन कार्ड की विवरणी और राशन कार्ड का नंबर मिल जाएगा, प्रकार मिल जाएगा राशन कार्ड का, और यहाँ पे कार्डधारी का यहाँ पे नाम मिल जाएगा जो कि आपका मुखिया का नाम हो, आपका यहाँ पता मिल जाएगा, और आपका यहाँ पे डीलर का नाम यहाँ पे मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आपके राशन कार्ड में कितने फैमिली मेम्बर हैं वो सारे मेम्बर का नाम यहाँ पे दिखाई देगा। ओके फ्रेंड्स, उनका पिता का नाम, एज मिल जाएगा उनका, और मुखिया से संबंधित जो है वहाँ पे। उसके बाद आपको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे देख सकते प्रिंट पेज। ओके फ्रेंड्स, तो इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करेंगे जैसे ही तो आपको डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए बिहार के लिए व्यक्ति जो बिहार के व्यक्ति हैं इस तरह से अपना राशन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए मैं अब यूपी के लिए बताता हूँ कि यूपी के जो व्यक्ति हैं वो अपना राशन कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो उसके लिए भी मैं बता दे रहा हूँ, यूपी के जो व्यक्ति हैं ये देख सकते हैं फ्रेंड्स अपना राशन कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे देखने लिखे हुए हैं मैं अपने गूगल ब्राउज़र में कि NFSA
upgovin। ओके फ्रेंड्स, फूड सिटीजन इस तरह से टाइप करना है। तो इसका लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग डायरेक्टली वहां से क्लिक करके इस पेज पे आ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, इस पेज पे आने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहां पे देख सकते हैं लिखा हुआ कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA की पात्रता सूची में खोजें। तो आप अपना राशन कार्ड का नंबर अगर याद है आपको तो यहाँ से राशन कार्ड के संख्या डाल के यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और नहीं तो अन्य दूसरे तरीके से कर सकते हैं। राशन कार्ड का अन्य विवरणी, जैसे कि चलिए जैसे कि मेरे राशन कार्ड का नंबर नहीं याद है, तो चलिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपके सामने इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं अपना जिला सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद अपना क्षेत्र सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद विकास खंड जैसे कि टाउन, अपना आपका जो टाउन है वो टाउन सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद कार्ड का प्रकार टाइप कर दे रहा है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। ओके फ्रेंड्स, और आपके मुखिया जो हैं घर के राशन कार्ड के जो मुखिया हैं वहाँ पे उनका नाम टाइप कर देना है, और मुखिया का नाम यहाँ से अंग्रेजी में, यहाँ पे हिंदी में और यहाँ पे अंग्रेजी में टाइप कर देना है, और मुखिया के पिता का नाम भी यहाँ पे टाइप कर देना है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, इस कैप्चे को इस बॉक्स में फिल कर देना है। ओके फ्रेंड्स, जैसा इस कैप्चे को देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरह से जैसे ही लिखा हो सेम इसी प्रकार यहाँ पर टाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं खोजे पर क्लिक करना है। जैसे ही खोजे पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने राशन कार्ड जो है सो ओपन हो जाएगा और उसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए इस तरह से आप लोग अपना राशन कार्ड जो है सो डाउनलोड कर सकते हैं, और आपको अपना नया राशन जैसे कि वन नेशन वन राशन कार्ड जो है अभी बना है, वो नेशन कार्ड को आप लोग खुद से वो अपडेट हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप जहां भी रह रहे हैं वहां भी अपना राशन ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हो सके तो बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो वीडियो मैं डालूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए तब तक लीजिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग।